हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड स्टोरेज की। क्लाउड स्टोरेज के प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लाउड स्टोरेज में आपको कितने ऑप्शंस होते हैं और आपको क्या क्या मिलता है। एक बार पहले भी हम क्लाउड स्टोरेज पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको कंपेयर कराया था कि ट्रेडिशनल स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। अगर मैं क्लाउड स्टोरेज की बात करूँ तो क्लाउड स्टोरेज दो तरह का होता है, एक तो ब्लॉक स्टोरेज होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोरेज होता है। ब्लॉक स्टोरेज का मतलब जहां आप ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करते हैं, और ऑब्जेक्ट स्टोरेज जहां पे आप डाटा रखते हैं। जैसे भी आप सिस्टम में भी आप क्या करते हो, सी ड्राइव के अंदर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रख देते हो, डी ड्राइव ई ड्राइव बनाते हो कि हम यहाँ पे डेटा रखेंगे ताकि इन केस अगर मेरा ओएस करप्ट हो रहा है तो डेटा प्रॉब्लम डेटा लॉस ना हो। ठीक वैसे यहाँ पर भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग स्टोरेज में रखते हैं जिसको हम ब्लॉक स्टोरेज कहते हैं, और डेटा जो है वो अलग स्टोरेज में रखते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट स्टोरेज कहते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट स्टोरेज की बात करूं तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, आइडेंटिटी, मेटा डेटा, ब्लॉब और रिप्लिका। आइडेंटिटी मतलब जब भी कोई आप फाइल बनाते हैं तो उस फाइल के अंदर क्या होता है, आप उसका स्टोरेज का नाम देते हो, फाइल का नाम देते हो, दैट इज योर आइडेंटिटी। दूसरा है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या है, डेटा अबाउट डेटा। हमने एक फाइल बनाई फाइल वन, उस फाइल वन के अंदर मेरा डेटा जा रहा है, उस डेटा के अंदर मैंने फील्ड्स रखा, नेम, क्लास, एड्रेस, तो ये मेरा डेटा का डेटा रिकॉर्ड हुआ। और इसके अंदर जो डेटा जा रहा है दैट इज डेटा अबाउट डेटा, वो हमारा कहलाएगा मेटा डेटा। ये सारा मैं एक बार पहले भी करा चुकी हूँ। ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब जो बड़ी फाइल्स होती हैं उन फाइल्स को भी आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज सपोर्ट देता है। और रिप्लिका मतलब सिंकिंग करना, यानी कि आपका जो भी अपडेट आ रहा है डेटा के ऊपर वो सिंक होता रहे आपके ऑब्जेक्ट स्टोरेज पर, ताकि आपकी अपडेटेड फाइल क्लाउड पर स्टोर रहे। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज, जिसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम AWS के बारे में अगर देखें तो AWS जो स्टोरेज आपको देता है, ब्लॉक स्टोरेज आपका यूज होता है एज अ EBS इंस्टेंस के अंदर। मैंने आपको दिखाया भी है, जब हम विंडोज का इंस्टेंस और लिनक्स का इंस्टेंस पढ़ रहे थे तो मैंने दिखाया था कि वहां पर EBS आपका यूज हो रहा है। लेकिन अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप क्या यूज करोगे, S3 यूज करोगे। S3 स्टैंड फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। तो सिंपल स्टोरेज सर्विसेज जो आपको S3 दे रहा है वो क्या कर रहा है, डेटा स्टोर करने का ऑप्शन दे रहा है। आप अपना फाइल्स, फोल्डर, इमेजेस, वीडियोज ये सेव करना चाहते हो तो S3 में यूज कर सकते हो। तो S3 इज जस्ट लाइक योर ऑब्जेक्ट स्टोरेज। दूसरा इसी में एक आता है ग्लेशियर। ग्लेशियर भी आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, यहाँ पर भी आप डेटा, फाइल्स, फोल्डर और इमेजेस, वीडियो सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसी फिर डिफरेंस क्या है S3 और ग्लेशियर के बिहाफ पर, और हम किस टाइम पर क्या चीज यूज करें। S3 जो आपका है वो है आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज, इस तरह का ऑब्जेक्ट स्टोरेज है जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, एक्सेस करते हो डेटा को। तो जो आपके फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा है उसको आप S3 में रखोगे, और जो रेयरली यूज है, रेयरली यूज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज आप 6 महीने में एक बार यूज करते हो, मान लीजिए 1 ईयर में एक बार यूज करते हो, यानी रेयरली यूज कर रहे हैं आप उस डेटा को, तो उस डेटा को हम ग्लेशियर में स्टोर करते हैं। फायदा क्या है, ग्लेशियर की रेंट कम है, यानी चार्जेस आपको कम लगेंगे। जिस डेटा को हमें कभी कभार यूज करना है तो हम उसको क्या करेंगे, ग्लेशियर में स्टोर कर देंगे, क्योंकि ग्लेशियर के चार्जेस कम होते हैं। और S3 के चार्जेस आपके ज्यादा होते हैं, तो जो डेटा आपको कभी कभार यूज करना है उसको स्टोर करने का रेंट आपको S3 में देने की जरूरत नहीं है, आप उसे ग्लेशियर में स्टोर कर सकते हो। स्टोरेज में ही एक और टॉपिक आपको मिलता है, स्नोबॉल। व्हाट इज स्नोबॉल, मान लीजिए मेरी कंपनी चल रही है 10 साल से, मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, लेकिन अब मैं उसको क्लाउड पर अपलोड करना चाहती हूँ। तो 10 ईयर्स का डेटा मेरा जो है पेगाबाइट में चल रहा है, अब पेगाबाइट का डेटा अगर मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूँ तो हो सकता है बीच में इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाए या कोई अदर ब्रेक में हो जाए, जिसके कि हमारा प्रॉपरली डेटा जो है वो कॉपी नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि अलग से ऐसा कोई डिवाइस यूज हो जाए कि डायरेक्टली मेरे सिस्टम से उस डिवाइस पर डेटा चला जाए और वहां वो AWS पे ऊपर या क्लाउड के ऊपर ले जाके मेरे डेटा को स्टोर कर दे। तो ये डिवाइस होता है आपका स्नोबॉल डिवाइस। स्नोबॉल डिवाइस
मैं आपको दिखाती हूँ। ये डिवाइस आपको रिक्वेस्ट करके AWS के थ्रू मंगाना होता है, ये आपके प्रेमिसेस पर आ जाता है। ये डिवाइस देखिए स्नोबॉल का डिवाइस है, ये आपके प्रेमिसेस पर आ जाएगा। आपके प्रेमिसेस पर जितना आपका डेटा है वो उसे ट्रांसफर करेगा, यहाँ पर एक्सेस होता है, एक्सेस करके ये आपके हार्ड डिस्क से डायरेक्ट डेटा कॉपी कर लेता है। डेटा कॉपी करके ये AWS क्लाउड पर ले जाएगा और वहां पर डायरेक्टली उसे स्टोर कर देगा। और ये डिवाइस इतना सिक्योर्ड है कि आपका डेटा लीक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं और आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्नोबॉल के थ्रू आप अपना डेटा अपने प्रीमिसेस से क्लाउड के ऊपर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपका डेटा जो है वो लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। अगर लार्ज अमाउंट में आपका डेटा है तो आप अपने आईडी से AWS से स्नोबॉल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये रिक्वेस्ट जब जनरेट हो जाएगी तो जनरेट होने के बाद वो आपके प्रीमिसेस आपसे डील करेंगे और आपको कब आएगा डिवाइस वो आपके बारे में बता देंगे। तो इस तरह से आप स्नोबॉल को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं EBS, हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम यूज कर चुके हैं, अब हम S3 के ऊपर यूज करें। S3 कैसे यूज करेंगे ये सीखते हैं। EBS हमने यूज करना सीख लिया इंस्टेंसेस बनाते समय। अगर आप S3 लेते हैं तो S3 में सबसे पहले मैं बता दूं कि तीन तरह के प्रैक्टिकल आपके होंगे। सबसे पहले तो टेक्स्ट शेयरिंग हो जाएगा, फिर टेक्स्ट शेयरिंग के ऊपर वर्जनिंग हम कैसे इनेबल करते हैं ये सीखेंगे, तीसरा हम स्टैटिक वेब होस्टिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट फाइल को शेयर करना सीखते हैं, ये कैसे होता है ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले S3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बकेट क्रिएट करना होगा। बकेट क्रिएट करने के बाद आप एक टेक्स्ट फाइल बनाते हो फिजिकल PC में। मैंने आपसे कहा टेक्स्ट फाइल शेयरिंग होती है, अगर टेक्स्ट फाइल शेयरिंग हो रही है तो आपको टेक्स्ट फाइल अपलोड करना सीखना पड़ेगा। तो अपने फिजिकल PC पर एक डेटा बना लेते हैं, मतलब कोई भी टेक्स्ट फाइल बना लेंगे जस्ट लाइक कि ये मेरा डेटा है और इसको हम इसको इस पर अपलोड करेंगे, यानी क्लाउड पर अपलोड करेंगे। कैसे डेटा अपलोड होता है, सिंक होता है और कैसे उसे हम पब्लिकली शेयर करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इसके लिए आपको एक मेक पब्लिक की स्क्रिप्ट भी चाहिए होती है। अगर आपको स्क्रिप्टिंग नहीं आती है तो आप डायरेक्टली इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकते हैं। अब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप सर्विसेज, इससे नोट डाउन कर लीजिए, S3 के लिए सर्विसेज पे जाके S3 लिखिए। अब इस S3 पर आपको क्लिक करना है। S3 पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये आपके सामने आ गया। मैंने सबसे पहले कहा था कि आपको एक बकेट क्रिएट करना है। बकेट इज जस्ट लाइक अ फोल्डर, आप एक फोल्डर बना रहे हो जिसमें हम अपने डिफरेंट डेटा फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। तो क्रिएट बकेट पर क्लिक करिए। ये आपका रीजन दे रहा है, आपको रीजन को चेंज नहीं करना है, सिर्फ अपने बकेट का नाम दीजिए। ये देखिए मैंने बकेट का नाम दिया। यहाँ पे ब्लॉक पब्लिक एक्सेस कह रहा है, आप इस चेक मार्क हटा दीजिए। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सबसे ऊपर आपको बकेट का रीजन दिखा रहा था, उस जिसे चेंज आपको नहीं करना है। अगर आप किसी अदर रीजन में क्रिएट करना चाहते हैं तो रीजन चेंज कर सकते हैं। फ्री टायर आईडी में मैं आपसे रिकमेंड करूंगी कि आप रीजन चेंज ना करें। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बकेट नेम, यहाँ पे अपना बकेट नेम दे दीजिए। अगर आपको किसी दूसरे बकेट की सेटिंग्स को कॉपी करना है तो आप चूज बकेट करके उसकी सेम जैसी कॉपी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई बकेट नहीं है तो मैं इसे कॉपी नहीं कर रही हूँ। अभी इस पर हम ACL नहीं लगा रहे हैं, यानी कोई सिक्योरिटी लिस्ट नहीं लगा रहे हैं। नीचे आपके पास आता है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, बाय डिफॉल्ट इस पे चेक मार्क होता है, लेकिन अगर आपको आप पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं तो आपको इस पे से चेक मार्क हटाना होगा।
तो चेक मार्क हटा दीजिए ब्लॉक ऑल पब्लिक स्पेस से। यहाँ ये आपसे एक्नॉलेजमेंट मांग रहा है कि अगर आप यहाँ से ब्लॉक का परमिशन हटाते हैं तो मे बी आपका डेटा पब्लिकली इश्यू हो जाए, और हम बनाना ही चाहते हैं पब्लिक के लिए, तो आपको कंफर्मेशन देना होगा कि हाँ मैं जो कर रहे हैं वो सही है। मैंने आपको बताया कि बकेट के अंदर वर्जनिंग फीचर भी होता है, पर इसको हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे, तो फिलहाल मैं इसे डिसेबल ही रहने देती हूँ। और जो डिफॉल्ट इंक्रिप्शन सिक्योरिटी चल रही है उसी पर हम बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो अलग अलग इंक्रिप्शन की सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो क्रिएट बकेट पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये आपका बकेट बन के आ चुका है। सेकेंड स्टेप पे मैंने आपसे कहा था कि आपको फिजिकल पीसी पर एक डेटा बनाना है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं, तो हम देख लेते हैं हमारे फिजिकल पीसी पर कोई डेटा है या नहीं है। मान लीजिए यहाँ मैं एक फाइल बना लेती हूँ ए नाम से, और इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं। अब मैं इसे सेव कर देती हूँ, सी ड्राइव के अंदर मैंने ये फाइल रख ली। ये देखिए मेरा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, फिजिकल पीसी के अंदर जाके मैंने क्या किया, एक फाइल बना ली और कुछ नहीं किया। अब आप यहाँ बकेट जहां पर आपको आ रहा है ध्यान से देखिए, इसको सेलेक्ट करिए। सेकंड स्टेप के बाद अपलोड कैसे करेंगे वो मैं स्टेप्स पर बता रही हूँ आपको, और बकेट पर अंडरलाइन यहाँ पर जहाँ पर हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे, यानी बकेट नेम पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बकेट नेम पे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आपको अपलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, इस अपलोड पर जाइए। अपलोड पे जाइए, ऐड फाइल करिए, ऐड फाइल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ब्राउजर का ऑप्शन आ जाएगा, और जहां पर भी आपका डेटा है उस डेटा को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे मैंने ए फाइल लिया, मैंने एक छोटी सी फाइल इसीलिए बनाई है कि ज्यादा स्टोरेज ना ले, तो मैंने इस फाइल को ओपन किया। ये देखिए फाइल मेरी ऐड हो गई लेकिन अभी अपलोड नहीं हुई है। अपलोड करने के लिए इस फाइल पे चेक मार्क करिए। चेक मार्क करने के बाद यहाँ देखिए नीचे अपलोड का ऑप्शन आता है, इस अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये अपलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड हो गई मेरी फाइल। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। मैंने आपको तीन स्टेप्स करा दिए, पहले बकेट क्रिएट कर लिया, टेक्स्ट फाइल कर क्लिक कर लिया और अपलोड कर दिया, लेकिन अभी भी ये फाइल एक्सेस नहीं होगी क्योंकि हमने इसे परमिशन नहीं दे रखी है। तो परमिशन देने के लिए यहाँ परमिशन पे आते हैं। ये देखिए बकेट पर एक बार चले जाइए, हम बकेट की परमिशन देंगे। बकेट पर क्लिक करिए ताकि पता रहे कहाँ से परमिशन देना है। सीधे मैंने बकेट पर क्लिक किया है और कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखिए बकेट पे गए तो यहाँ आपका बकेट नेम दिखा रहा था, आप बकेट सेलेक्ट करिए, बकेट पे क्लिक करिए तो ये वही लोकेशन ले जाएगा जहाँ से आपने फाइल अपलोड की थी। इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए सेम वही लोकेशन आ रही है। अब यहाँ पर आपको परमिशंस पे जाना है, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस मैंने ऑलरेडी ऑफ कर रखा है तो इस पे हमें कुछ नहीं करना है। नीचे आइए, यहाँ बकेट पॉलिसी पर मुझे अपनी पॉलिसी को देना है, वो जो स्क्रिप्ट मैंने आपको दिखाया था अभी उस पे जाना है। तो आप यहाँ पर आइए,
ये है आपकी पॉलिसी, इसे मैंने कॉपी किया और एडिट पॉलिसी पे जाके मैं ये पॉलिसी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है योर बकेट नेम, आपको जहां पर वो स्लैश दिखा रहा है इसके आगे क्लिक करना है और योर खाली जहां तक वाई तक आपको यहाँ पर हटाना है, यानी अपने बकेट का नाम डालने के लिए। उसके आगे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है सिंटेक्स खराब नहीं होना चाहिए। अब आपके बकेट का नाम यहाँ पर जो भी है, जैसे यहाँ मैंने रखा है BUC 777, मैंने अपने बकेट का नाम डाल दिया और अब इसे सेव चेंजेस कर दीजिए। मैंने सिर्फ बकेट का नाम डाला, देखिए BUC 777, और इसे सेव चेंजेस कर दिया और ये सक्सेसफुली बकेट पॉलिसी एडिट हो गई। अब हम बकेट पर वापस आते हैं और जिस डेटा को हम एक्सेस देना लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, कॉपी यूआरएल पे क्लिक करिए, जिस फाइल को आप देना चाहते हैं उसका यूआरएल कॉपी करिए और ये यूआरएल आप कहीं भी भेज दीजिए किसी दूसरे लोकेशन पे जिस पर भी आपको मेल आईडी के थ्रू भेजना है। और जैसे ही वो इस यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट करेगा आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो आपके यूआरएल के थ्रू आपका फाइल डेटा जो है वो बाइंड हो गया है और आप इस यूआरएल को ओपन करके अपने फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को डेटा को अपना पब्लिक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं विद अदर्स।